Hi, friends, welcome back to my channel. My name is Nivedita. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and follow me on Instagram. My Instagram handle is Fleeting Beauty. सो इन टूडेज़ वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई रिसेंट जूलरी परचेजेज सो सबके कलेक्शन में कुछ बेसिक ट्रेडिशनल जूलरी होना चाहिए एंड उनमें से कुछ है आजकल जो ट्रेंड में है वो है कलरफुल बीड्स सो द फर्स्ट जूलरी पीस इज दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चोकर और ये जबेरी पर्ल्स ब्रांड का है मैंने ये नायका से थोड़े टाइम पहले खरीदा था और इसके साथ ये ब्यूटिफुल झुमका है और ये डिंटी सा मांग टीका है ये बहुत ही सुंदर है एंड दिस गो विद ऑलमोस्ट एवरी आउटफिट यू ओन क्योंकि ये बहुत ही सपिल है कलर में और ये चोकर बहुत सुंदर है इसमें बीच में मीनाकारी का काम है ये जो स्टोन्स भी हैं ये एक्चुअल में बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसके साथ ये ईयर रिंग्स है जिसमें ऊपर स्टोन्स है और नीचे ये कलरफुल बीच है बीच में मीनाकारी है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बहुत ही सुंदर और पार्टी अप्रोप्रिएट है इसका इसका टोटल कॉस्ट फाइव थ्री का है मैंने ये नायका से मंगवाया था इसमें एक पिंक शेड भी है जो बहुत सुंदर है बट आई वॉन्टेड समथिंग ग्रीन क्योंकि ग्रीन काफी ज्यादा ट्रेडिशनल हो जाता है और बहुत सारे इंडियन आउटफिट्स के साथ अच्छे से जाता है वेदर इट्स गोल्ड रेड और इवन ग्रीन इवन ब्लू कलर के साथ भी ग्रीन काफी अच्छा लगता है सिल्वर सो द सेकेंड ज्वेलरी पीस इज दिस पर्ल चोकर ये बहुत ही सुंदर पर्ल चोकर है बीच में ग्रीन कलर के स्टड्स हैं ग्रीन एंड स्टोन और गोल्ड है इसमें और पर्ल इज नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल सो इस सो so, इसके साथ ये इयर है राउंडेड इयर है जो सिमिलर है इसके पेंडेंट के साथ ये बहुत ही सुंदर है और इसका प्राइस पॉइंट वॉज वेरी रीजनेबल, 396 इसका प्राइस है ये बहुत ही सुंदर है सबके कलेक्शन में एक पर्ल चोकर जरूर होना चाहिए एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट आई डोंट नो वाई आई एम लाइक सो मच इन टू पॉल एंड ग्रीन मुझे ग्रीन कलर काफ़ी पसंद है एज ज्वेलरी में एज कंपेयर टू रेड बिकॉज मुझे लगता है ग्रीन रेड के साथ गोल्ड के साथ ज़्यादा बेटर खिल के आता है रेड बहुत ज़्यादा ऑन योर फेस लगता है कलर मुझे इफ यू आर नॉट दैट ऑफ अ चोकर पर्सन और अ इयरिंग पर्सन या आपके कान पे नहीं है तो आई थिंक मांग टीका इज अ रियली गुड ऑल्टरनेट यह आपके पूरे फेस को एक अपलिफ्ट कर देता है और बहुत ही सुंदर और ब्यूटिफुल लगता है मांग टीका एंड दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल एक्सेस हर और ये भी मैंने मिंत्रा से खरीदा था इसका प्राइस मुझे याद नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी दिखाए हैं मैं उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आफ्टर मांग टीका आई थिंक स्टेटमेंट रिंग्स आर वन ऑफ द थिंग सो ये रिंग मैंने नायका से मंगवाया था ये दो के सेट में था ये पिंक है और ये इसमें कुंदन का काम भी है आसपास और सेंटर में ये पिंक है ये मीनाकारी वर्क है एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल ये बहुत सारे आउटफिट्स के साथ अच्छे लगेंगे रेड गोल्ड और जिस तरह के भी आउटफिट्स के साथ आप इसे पेयर करना चाहे पिंक ऑरेंज जो भी इस पिंक शेड और गोल्ड शेड के साथ मैच होंगे उनके साथ आप इसे पहन सकते हैं द सेकेंड रिंग इज दिस ब्यूटिफुल ग्रीन मीनाकारी रिंग ये बहुत ही सुंदर रिंग है इसके बॉर्डर में पर्ल्स है जो कैमरा अच्छे से कैच नहीं कर रहा है बट दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल इसके अंदर भी मीनाकारी काम है बीच में स्टोन्स है और दिस इज फॉर टू बोथ नाइन द रिंग्स आर फॉर टू नाइन इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है बट द बेसिक प्रॉब्लम विद दिस इज जो एडजस्टमेंट है ये मेरे से खुला ही नहीं और ये एडजस्ट नहीं हो पाया बिकॉज माई फिंगर्स आर वेरी Very thin, so I will uh, try to open them, but I'm really happy with these uh, rings. सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आर ट्रेडिशनल ज्लरी कलेक्शन इज़ गुड क्वालिटी इयर रिंग्स जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जूलरी पीस होती है इन इंडियन कलेक्शन वो है एक सुंदर झुमका ये बहुत ही सुंदर कुंदन वॉक झुमका है जिसके नीचे पर्ल लगे हैं ये पूरा गोल्ड का है एंड ये भी जवेरी पर्ल्स ब्रांड का है ये इसकी प्राइजिंग काफ़ी अच्छी और डिसेंट थी बट देर इज़ वन डिफिकल्टी विद दिस इयर इज इट्स क्वाइट हैवी सो मैंने इसे कान चेन के साथ पहना है और इट इज दू वेयर हैवी ईयरिंग के काना इंपॉर्टेंट है फैशन से ज्यादा कान है कान चेन प्रोटेक्ट योर ईयर्स ये बहुत ही सुंदर पॉल एंड कुन वर्क का ईयर रिंग है इसकी गोल डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है और ये चीप क्वालिटी नहीं लगता इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है सो so, नवरात्रि से कुछ टाइम पहले मैंने इसे मंगवाया था और उससे पंद्रह बीस दिन पहले मैं लाजपत नगर गई थी और टू फाइंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी मुझे इतना अच्छा वहाँ पे नहीं लगा और जो भी अच्छा था वो वॉज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सो मुझे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा और आई एम रियली हैप्पी अबाउट डीज ईयर इन सब में थोड़ी बहुत फ्लॉज हैं लाइक like कि ये हैवी है और उसके अलावा इसका लुक बहुत ही सुंदर है इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन वन गोल्ड ज्वेलरी आइटम इन योर कलेक्शन गोल्ड झुमका शुड बी द मस्ट वन एंड रियली रियली हैप्पी अबाउट दिस ज्वेलरी पीस सो द सेकेंड ज्वेलरी पीस वट आई फील यू शुड ओन इज अ ब्यूटिफुल चांद वाली चांद वाली एक ट्रेडिशनल uh, शेप होता है इयर रिंग का विच लुक्स लाइक अ मून सो ये राउंड शेप का होता है ये कुंदन एंड पॉल का इयर रिंग है ये भी जवेरी पॉल्स ब्रांड का है ये बहुत ही सुंदर है ये लाइट वेट है इसके अंदर ऊपर ये लूप्स हैं जिसके साथ आप कानचेन भी पहन सकते हैं एंड दिस इज रियली रियली ब्यूटिफुल आप अप क्लोज देखिए इसका कलर और स्टाइल बहुत ही अच्छा है और सबकी कलेक्शन में इस तरह का बड़े एक चांदबाली बाली होने चाहिए ये कई चांद लेयर्स में भी आते हैं कि ऊपर भी इस तरह का है नीचे भी है और थ्री लेयर्स में भी आते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं इफ़ यू आर इन लाइक हैवी चांद बालीज़ सो so ये चांद वाली है थ्री हंड्रेड फाइव रुपीज़ का जो मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा बिकॉज आई विजिटेड लाजपत नगर मार्केट वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव लगे मुझे चीज़ें सो द नेक्स्ट ईयरिंग विच आई फील यू शूड हैव इन योर कलेक्शन इज़ दिस काइंड ऑफ मॉडर्न ट्रेंडी ड्रॉप ईयरिंग्स सो ये एथनिक और आपके मॉडर्न कपड़ों के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे ये ऊपर से स्टोन है नीचे से कुंदन वर्क है पूरा ये गोल्ड फिनिश है इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है ये जवेरी पर्ल्स ब्रांड का है ये भी मैंने मिंत्रा से ही मंगाया है बिफोर दशहरा सो ग्रैब अगर ये स्टिल अवेलेबल है लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसका प्राइस टू एटी सिक्स रुपीज है ये काफी सुंदर लगा मुझे मैं इसे ऑलरेडी पहन चुकी हूँ आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस सो द नेक्स्ट ईयरिंग आई शुड ओन इज अ ग्रीन एंड रेड टोन ईयर रिंग ये ग्रीन और रेड स्टोन्स हैं इसमें यह कुंदन का काम है इसमें ये इसका शेप जो है वो पिकॉक शेप है और मुझे कुछ ऐसा कलरफुल ही चाहिए था इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ रेड ग्रीन एंड गोल्ड इज अ मस्ट हैव सो दीज ब्यूटिफुल ईयरिंग्स आर फ्राम जेरीपर्ल्स ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाए हैं एंड दीज आर वेरी वेरी गॉजस ये किसी भी आउटफिट को अपलिफ्ट कर देंगे सिर्फ ये इयर ही काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको कुछ और हैवी ज्वेलरी पीसेस पहनने की ज़रूरत नहीं है बट दिस इज रियली हैवी सो यू हैव टू वेयर अ कान चेन नॉट दैट हैवी बट इट्स हैवी सो आपको कान चेन पहनना पड़ेगा इफ़ यू आर वेयरिंग दिस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम The price of this earring is Rs. 350 rupees. I think this is actually worth for Rs. 350 rupees. So the next thing which I feel you should own is a beautiful set जो काफी traditional और आपके outfits के साथ जाए. So मेरे outfits के साथ red, green and gold काफी अच्छा जाता है. मेरे ethnic collection में ये सारे colors ज़्यादा हैं. So I वॉन्ट टू बाई अ सेट विच गोज विद माई आउटफिट सो ये नेक्स्ट है जवेरी पर्ल्स का ये सेट है इसका चोकर बहुत ही सुंदर पूरा भरा हुआ है रेड एंड ग्रीन है ये पर्ल्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं मुझे ये कुंदन वाइट वाले ड्रॉप्स नहीं अच्छे लगे आप क्लोज देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा चीप लग सकता है बट ये रेड वाले स्टोन्स एंड ग्री वाले स्टोन्स काफ़ी अच्छे है ऑल ओवर ये नेकलेस बहुत ही सुंदर है इस नेकलेस के साथ ये सुंदर ईयर है इन्हें आप सेपरेटली भी पहन सकते हैं इनकी पर्ल्स की क्वालिटी बहुत सुंदर है दीज आर नॉट हैवी एट ऑल ये बहुत ही सुंदर है एंड इस नेकलेस और इयर के साथ ये सुंदर सा एक रिंग भी है जो काफी सिमिलर है टू द नेकलेस ऑब्वियसली एंड दिस इज रियली गुड जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिला विच इज लाइक वर्थ ये 479 सेवेंटी में मुझे मिला है ये भी मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है एंड दिस इज रियली रियली गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये इस तरह की प्लास्टिक बॉक्स में है सो दैट यू कैन सेव इट प्रॉपरली और इसमें डैमेज भी नहीं होगा दिस इज रियली गुड और ये मेरा लास्ट ज्वेलरी पीस था सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो